हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। ब्रेकिंग न्यूज, बहुत अच्छी न्यूज आप सबके लिए आज के रोजगार समाचार के एपिसोड में। जी हां, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं डेली कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि कुछ वैकेंसीज की न्यूज कैसी आएगी, कब आएगी, तो जी हाँ, आपके लिए बताना चाहूंगा कि पंजाब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए फायरमैन और ड्राइवर की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। आपको बताऊंगा पूरी डिटेल, मेरे साथ बने रहिएगा, विद प्रूफ बताऊंगा। और बहुत अच्छी खुशखबरी है, कहीं ना कहीं आपको ये सुकून मिलेगा। और जितने भी स्टूडेंट्स आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और क्या क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। जी हाँ, बहुत अच्छी न्यूज है। और स्पेशल तौर पर वो स्टूडेंट्स जिनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन नहीं है, बिलो ग्रेजुएशन वाले, मैं कह दूं कि आठवीं और दसवीं पास, ठीक है, आप सबके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। और आपको प्रॉपर तरीके से समझना होगा कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म नहीं भरना। जी हाँ, मेरे साथ बने रहिएगा। आपको बताना चाहूंगा कि पूरी डिटेल, यानी रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ड्राइवर पोस्ट आउट हुई है पंजाब में, और ये 2019 की रिक्रूट्स हैं, यानी जो फॉर्म भरने की लास्ट तारीख है वो सुन लो पहले, 16 तारीख, ठीक है। यानी 16 तारीख आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है कि 1 वीक है। जी आपको याद रखना है कि आपके पास कितना है, 1 वीक है। 1 वीक से पहले पहले आपको फॉर्म भरना है, और फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल वैकेंसीज कितनी है। आप सब ने अभी तक कंफ्यूजन में थे, इन्होंने कहा है कि यानी एक हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग एटलीस्ट 10 वैकेंसीज हैं, और ये 10 वैकेंसीज का मतलब मैं कह सकता हूं कि 200 से ज्यादा वैकेंसीज फिल की जा रही है ओवरऑल इन पंजाब में। जी हाँ, आप सबको मालूम होगा कि इसमें दो तरीके की वैकेंसी, पहली है फायरमैन। फायरमैन के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पंजाबी, 10वीं में पास होनी चाहिए, और मिनिमम आपकी 10वीं क्लास है, और आपकी उम्र है वो 18 साल से लेकर 30 साल होनी चाहिए, और जिसमें 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा किसको, एससी और एसटी कैंडिडेट को। जी हाँ, और ये बहुत अच्छी न्यूज आप सबके लिए। जी हाँ, मैक्सिमम टाइम शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। और स्पेशल तौर पर अगर जो ग्रेजुएशन कर रखी हैं, आपने फॉर्म भरना है भर सकती हो, लेकिन आप उनको भी मौका दीजिएगा, उन तक भी पहुंचाइएगा जो लोग आठवीं और दसवीं करके घर बैठे हैं। जी हाँ, ड्राइवर पोस्ट है, इसके लिए 8वीं क्लास रखी गई है, ठीक है। और आपके पास एचटीवी के तहत, यानी मैं बताना चाहूंगा कि हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए ड्राइवर के लिए, और मिनिमम 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी हाँ, ये आपको बताना चाहूंगा कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस आपके पास किसी न किसी डिपार्टमेंट का जरूर होना चाहिए, ठीक है। उम्र है ड्राइवर के लिए 18 से लेकर 37 साल तक रखी गई है। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं या पंजाब की असामियां होती हैं, उन्होंने 37 साल रखी गई है, राइट। तो ये है, आपको मैं प्रॉपर इसकी न्यूज दिखा देता हूं। यानी आपको 16/1/2019 से पहले पहले हेठ लिखे पते थे, यानी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं पता आपको प्रॉपर बता दूंगा। इतने दसिया गया कि कटो कट 8वीं पास होनी चाहिए, मिति 16/1/2019 तो पहला पहला 5 साल का पुराना कोई भी हैविंग तुहाडे कोल लाइसेंस होना चाहिए एच टी वी के तहत, ठीक है। और ये तुसी ध्यान रखना है, ठीक है। और इस तो अलावा तुसी फार्म भरने के कुछ अहुदियां का ध्यान रखना है कि तुहाडा कद है 5 फुट 5 इंच होना चाहिए, और तुहाडी छाती है 33 इंच, ठीक है। और तुहाडी यानी पंज आपां कह सकते हैं कि तुसी जदों फुलाओगे, ठीक है, तो तुहाडी छाती च फुलावट होना चाहिए। आपां कह सकते हैं कि 33 ते 5 38, यानी ठीक है 38 इंच तक तुहाडी छाती होनी चाहिए, राइट। अच्छा, इन्होंने कहा है कि 1 पॉइंट यानी 1.5 इंच का वाधा किया होना चाहिए, और अक्खां की जिहड़ी आई साइट है तुहाडी 6/6 की होनी चाहिए, क्योंकि तुहाडा आई टैसट भी होएगा, राइट। इस तो बाद अगे इन्होंने जानकारी दी है कि तुहाडा जो फिजिकल टेस्ट होएगा, तुहानू 60 किलो वजन चुक के और 100 गज यानी 100 यार्ड, जी हाँ मैं आपको सबको बताना चाहूँगा, 100 यार्ड, ठीक है, दूरी तुहानू तुसी जाना होएगा, और इहदा तुहानू टाइम मिलेगा 1 मिनट, राइट। ये बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, तुसी ध्यान रखना गाइस। और इसकी जो वक्री जानकारी होएगी तुहानू इस गिल्ज मेंटोर की ऑफिशियली साइट पर प्रोपर दी जाएगी। जी हाँ, इस तो अलावा तुसी ध्यान रखना है कि जो भी इतने तुहानू दस्या गया कि तुहानू जो क्लाइंब करना होएगा, ठीक है, तुहानू दिता जा सकता है किसी पाइप पर दिता जा सकता है, या किसी होर पर तुहाडा फिजिकल टेस्ट लिया जा सकता है। लगभग 8 तो 10 फुट की तुहानू ऊंचाई तक चढ़ना होएगा। जी हाँ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे के सारे, ये बहुत इंपोर्टेंट तुहाडे लई न्यूज़ ने, ठीक है। किसी भी भर्ती के फॉर्म भरन तो पहला इंपोर्टेंट होंगे कि तुम नोटिफिकेशन और भर्ती के मापदंड जरूर जाणो, ठीक है। तुम्हें बहुत वक्रिया वक्रिया न्यूज़ मिलनगियां, तुम कह सकते हो कि किसी ने तुम दिता होगा कि आ गई बहुत बड़ी भर्ती, बहुत बड़ी भर्ती का मीनस इट मीनस कि तुम सारे यानी मिनीम 8, आप कह सकते हैं कि 8वीं पास और 10वीं पास कैंडीडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तुम दसना है कि 8वीं पास ड्राइवर लिए है और 10वीं पास कि फायरमैन लिए, राइट।
और ड्राइवर लिए तो आड़े कोड़े हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए और 5 साल का कम से कम तो आड़े कोड़े एक्सपीरियंस होना चाहिए है, और तानू फायरमैन लिए कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जी हाँ, हुण आपां गल करते हैं कि जिन्हिया भी पोस्टां है कि रेगूलर है या कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है, यह तुहानू मैं प्रोपर परफॉर्मा देता है बना के, ये बेस से तुसीं समझ सकते हो। ठीक है, 8 तो 10 फुट यानी तुहानू किसी रोप रस्सी ते या पाइप से तुहानू चढ़न दा फिजिकल लिया जा सकता है। हुण तुसीं फार्म अप्लाई किदां करना है, सब तो पहला गल है कि फार्म अप्लाई करना एस एस सर्विस प्रोवाइडर 37D मॉडल टाउन पटियाला के तहत वैकेंसीज आउट हुई हैं। ठीक है, तुहाडे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ने जो भी क्वालिफिकेशन दे अलोंग विद योर रेजिडेंशियल प्रूफ एंड आधार कार्ड एंड फोटो अटेस्ट। ठीक है, ये सारे परफॉर्मे तुसीं फार्म यानी ऑफिशियली साइट तो तुहानू दस दिता जाएगा कि तुसीं ये फार्म परफॉर्मा लैके और तुसीं सबमिट करना होगा। राइट, वधेरी जानकारी लई तुहानू ये नंबर दिता गया, इस नंबर से तुसीं कॉन्टैक्ट करके इत्थे डिपार्टमेंट तो पुछ सकते हो कि फार्म किदां भरना है और यह की वैकेंसीज किन्नियां ने और की वैकेंसीज रेगूलर है या कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है। हुण गल करदे हां कि रेगूलर पोस्ट है या यह कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है। जी हाँ, यह कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, तुहाडियां ठेके ते भर्तियां होणगियां, यह कोई भी रेगूलर पोस्ट नहीं है। जी हाँ, ये प्रोपर तरीके नाल सारे स्टूडेंट्स नूं ध्यान कर लेना है और मैक्सिमम टाइम तक शेयर कर दिओ, बिना किसी रिटन पेपर तो तुहाडा सिलेक्शन होएगा। ये फिजिकल ते डिपेंड है कि फिजिकल पास तुहाडा पेपर पास। जी हाँ, तो थैंक यू सो मच गाइज, तुसीं टाइम दिता और मैं तुहानूं इहदी न्यूज़ दित्ती। मैं मिलूंगा नैक्सट अपडेट लई, तब तक ख्याल रखो और टेक केयर, बाय बाय।